क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आवाज दे के बुलाना। किस लिए टेंशन में रखे हैं आज हर आदमी, टेंशन में बिना बात की टेंशन ले रखी है लोगों ने। एक बैठा टेंशन में, हर अमर का तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। हाँ दुनिया मर जाएगी, तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? कर लो किस किस की टेंशन दूर करोगे। मैं सर पिछले महीने अपनी पत्नी के साथ चला गया पार्क में, अब मैं इंटरनेशनल कवि हूँ बहन जी, एक सुंदर महिला ने मेरे को नमस्ते कर ली। कर ली भाई, इतना बड़ा कवि हूं तो नमस्ते कर ली तो क्या हो गया? आज एक महीना हो गया मेरी पत्नी को टेंशन लिए। बता कौन थी, बता वो कौन थी, मैं क्यों टेंशन ले रही है? मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। तालियां थोड़ी बजा रहे हो आप? हाँ, बिना तालियों के मजा नहीं आता, क्योंकि जीवन में जीवन फलसफा इसी का नाम है। ये जो 59वां छात्र सहायता समारोह है ये आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए है। यह टेंशन नहीं है, चेहरों पर उत्साह होना चाहिए। जीवन का फलसफा देता हूं, बन जाओ अंबानी, बन जाओ आप मोदी साहब, बन जाओ अमिताभ बच्चन, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन का फलसफा यही है बेटा, बहुत जरूरी तरक्की करना, लेकिन कभी नंबरों के पीछे इतने मत भागना कि मेरे 100% नंबर ही आए। जो बच्चा 100% नंबरों का लक्ष्य बना लेता है वो कभी जीवन में खुश नहीं होता, क्योंकि अगर 99 रह जाएंगे तो आप उदास हो जाओगे कि मैंने 100 का लक्ष्य बनाया था, मेरे 99 रह गए। इसलिए लक्ष्य बनाना कि मैं मेहनत 100% करूंगा, मैं मेहनत 100% करूंगा, नंबर भले ही कितने आए। इसलिए माँ बाप को भी ये कहना चाहता हूं, बच्चों का मन कभी मत तोड़ना, ये बच्चे फूल सा हृदय होते हैं इनका। मेरे बच्चे के 96% नंबर आए, 94% नंबर आए 10वीं के अंदर, उदास बैठा। मैं बेटा क्या हुआ? बोला पापा 94% नंबर आए हैं। मैं 94 आए हैं क्यों दुखी हो रहा है? हमारे तो पूरे परिवार के आते थे 54%, तू इतने नंबर ले आया। तो मैंने वहां से कविता लिखी, वो सुनो, और कोई टेंशन नहीं लेना जीवन में भाई साहब, कोई टेंशन नहीं, मस्ती की बात है। वो एक हरियाणा का बच्चे का रिजल्ट आया, पिताजी ने कहा अभी तेरा रिजल्ट आया था क्या हुआ? कह रहा पापा और सरपंच का लड़का फेल हो गया। अरे बोला सरपंच का होगा, तेरा क्या हुआ? बोला पिताजी MLA का लड़का फेल हो गया। अरे बोला तेरा क्या हुआ? बोले गांव के डॉक्टर का लगा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता, तेरी पूछ रहा हूं। बोला प्रिंसिपल तक का बेटा फेल हो गया। अरे बोला तेरी बता क्या हुआ? बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री है? तेरा भी निमट गया। खड़े हाथ करके तालियां बजाओ एकदम साहब। हाँ, तो जीवन का फलसफा यही है कि हमेशा मस्ती में रहना है, चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। जीवन यही है कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। अरे सही मायनों में यही जिंदगी होती है। आप बहुत बड़े पद पर भी बैठकर परेशान हो, बहुत पैसा कमा के भी परेशान हो, कोई फायदा नहीं ऐसे जीवन का कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो। ये छोटी छोटी बच्चियां हमारे बैठी हैं, आजकल बच्चियां इतनी होशियार हैं। वो एक बच्ची से सवाल कर दिया, रामचंद्र वनवास गए, सीता वनवास में क्यों गई? तो बच्ची ने उत्तर दिया कि सीता जी के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, घर में 3-3 सास हो तो जंगली ठीक है। कर लो किस किस का क्या। वो एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी बोले भाई तेरा कल रिजल्ट आएगा। तेरा कितने बच्चों का रिजल्ट आया अभी थोड़े दिन पहले, 10वीं 12वीं के बच्चे होंगे ना यहाँ पर, ये सारे छोटे बच्चे हैं। तो एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी बोले देख भाई तेरा कल रिजल्ट आएगा, तेरे पे कोई विश्वास नहीं है मेरे को कि तू कुछ अच्छा कर देगा, और 2 बजे तेरा रिजल्ट आएगा, तू घर पे आएगा, मैं तेरे से रिजल्ट पूछूंगा, तू मना करेगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी मीटिंग चल रही होगी, तो तू अपना रिजल्ट इशारों में बताइयो। बोला पापा इशारा कैसे करूं? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, मैं समझ जाऊंगा 2 में फेल हो गया। 3 में फेल हो जाए कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं समझ जाऊंगा 3 में फेल हो गया। 2 बजे बच्चे का रिजल्ट आया, पापा की मीटिंग चल रही थी, पापा ने पूछा बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा बोला पापा सांचे दरबार की जय, बिल्कुल साफ, कोई नंबर नहीं, 0 अंडा। तो ऐसा काम नहीं करना हमको, हमको जीवन में तरक्की करनी है कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में, भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। मेरी इस कविता सुनाने का लक्ष्य केवल एक ही है दोस्तों, अभी जब पेपर होते हैं तो मोदी जी आते हैं टीवी के अंदर और वो एक ही बात मन की बात में कहते हैं कि कभी भी मोदी जी वो एक ऐसे लीडर हैं जो हर बच्चे का, हर किसान का, हर जवान का, हर कैटेगरी का वो ध्यान रखते हैं कि कहीं पर मेरे को जाना है तो समाज का कोई नागरिक अछूता ना रह जाए। तो बच्चों को भी मन की बात में बोलते हैं कि बच्चों टेंशन। कविता का शीर्षक इतना है, जब कोटा में देखते हैं कि बच्चे परेशान होने लगे हैं तब कई इस कविता ने जन्म लिया, सब टीवी वाला क्या बात पर यह कविता पूरे वर्ल्ड में वायरल हुई। वही कविता आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में, भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं।
हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। हौसले इतने बुलंद, सर कभी उदास नहीं हुए। एक साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई कई कई ट्यूशन पढ़ा, पूरा जोर लगा लिया, अगली क्लास में नहीं चढ़ा, आखिर में नानी कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया, पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहली से उठवा लिया, वही पाया उसी बेंच पे बैठा हुआ। और कविता की पंक्ति पर आपकी तालियां चाहूंगा, 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के, पहले सुन लो फिर बधाई देना, 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के पूरी क्लास में उस टाइम में 33% नंबर आए थे। ये 3 लोगों ने बधाई नहीं दी, ये चिढ़ते हैं मेरे से, जलते हैं भाई साहब, क्योंकि इनके 33 भी नहीं आए थे। 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के 33% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे, कैसे जश्न मनाए थे सुनो। जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी, बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी पूजा करने के लिए। कहने लगी, बच्चे ने इतिहास रच दिया। बुआ बोली, बच्चे ने इतिहास रच दिया, और इसी खुशी में सवेरे की सवामणि शाम का भंडारा रख दिया। अब इस बात पर तालिया इस बात पर चाहिए कि आज बच्चों के 90% नंबर आते हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, और कॉलेजों के बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, और पहले 33% पे भी भंडारे होते थे, हमने बच्चों का बचपन कहां मार दिया। तालियां इस बात पर बजाना कि पहले 33% पे भी भंडारे होते थे। मेरी कविता का शीर्षक और सिर्फ उसकी प्रेरणा इतनी है कि बच्चों टेंशन में मत पड़ना, बहुत माँ बाप का नाम कमाना, स्कूल का नाम करना, देश का नाम ऊंचा करना, वकील इंजीनियर सब कुछ बनना, लेकिन टेंशन में नहीं, अपने संस्कारों को याद करने। 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के 33% नंबर आए थे, घर वालों ने जश्न मनाए थे, कैसे जश्न मनाए थे, जब मैं रिजल्ट देखकर घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी, बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी, पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी और मार्कशीट शीशे में जड़वा के ड्राइंग रूम में टंगवा दी। रिश्तेदारों को दिखाऊंगा। कविता का सबसे पावरफुल पंच देता हूं और आपकी तालियां चाहता हूं। बड़ी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया, 33% देखकर बड़ी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया, अब जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड जोत जलेगी। ये अलग बात है, पढ़ाई बीच में ही छुड़वानी पड़ी, बाबूजी 6 महीने से पहले जोत बुझानी पड़ी, लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला, दाखिला आखिर कॉरेस्पॉन्डेंस में मिला, क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, एक कक्षा में कई कई साल लगाते थे, और कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। नवीन भाई की शादी स्कूल से ही हुई है कि 6वीं में पढ़ते, 24 साल के हो गए। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, कक्षा में कई कई वर्ष लगाते थे, कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे, और कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, बच्चे वहीं पढ़े रहते, साहब टीचर रिटायर हो जाया करते। और जो बच्चे एक कक्षा में कई कई वर्ष लगा दिया करते, नीरज भाई, जो बच्चे एक कक्षा में कई कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। विपिन भाई कई साल मॉनिटर रहे। जो बच्चे एक कक्षा में कई कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते, वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। लेकिन आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। अरे बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर टीवी वे मोबाइल की भेंट चढ़ गया, माँ बाप का प्यार कंप्यूटर टीवी। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद, एक बार मिलकर तालियां बजाओ सारे।